यार क्लास के स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जो U3 का फर्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर को लीटर में और लीटर को मिलीलीटर में। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर। जब हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई क्वांटिटी दी होती है, जैसे हमारे पास 1000 मिलीलीटर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। इसको कैसे करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास ए पार्ट क्या, हमने कन्वर्ट करना है 20000 मिलीलीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 20000 को डिवाइड करेंगे हम 1000 के साथ। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 30, यहाँ से 30 कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, 20 लीटर। ठीक है, इस तरह बी पार्ट है इसका, 55000 मिलीलीटर 55000 मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 55000 डिवाइड बाय 1000, इसके भी 30 और 30 कट जाएंगे, ये कितना बचेगा, 55 लीटर। और सी पार्ट क्या है इसका, 450 मिलीलीटर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 450 डिवाइड बाय 1000, यहाँ पे 450 है, ये छोटी टर्म है और 1000 बड़ा है, तो 450 1000 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 450 डिवाइड बाय 1000 लिखेंगे, जितने जीरो हैं इतने डिजिट हम पीछे जाएंगे, 1 2 3 0, एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, तीन डिजिट के पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा, डेसिमल आएगा, 0.450 लीटर। ठीक है, इस तरह डी पार्ट क्या, हमारे पास 800 मिलीलीटर, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करेंगे, 800 को डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम, 800 डिवाइड बाय 1000, कितने जीरो हैं, 1 2 3, इस तरह तीन नंबर, तीन डिजिट्स डेसिमल पीछे जाएगा, 0.800 लीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। क्वांटिटीज जो है वो लीटर में दी गई है, उनको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। इस तरह ए पार्ट क्या है, हमारे पास 0.7 लीटर। जब हम मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट, लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1000 के साथ, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, 0.7 लीटर कितना हो जाएगा, 0.7 × 1000 मिलीलीटर। 0.7 को जब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा, 700 मिलीलीटर। ठीक है, सर बी पार्ट क्या, हमारे पास बी पार्ट है 45 लीटर। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, 45 × 1000 मिलीलीटर, ये कितना हो जाएगा, 45 × 1000,
45 और 0 के साथ करेंगे, 3 0 आएंगे, 1 2 3, 45 into 1 45 मिली लीटर आएगा इसका आंसर। इस तरह डी ई एफ पार्ट जो है, सी डी ई एफ पार्ट, ये आप खुद करेंगे ट्राई। बाकी थैंक यू।